नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। टीम इंडिया के विकेट कीपर और भारत को वर्ल्ड T20 और वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले पूर्व करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। जी हां, काफी समय से धोनी के इस फैसले को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब धोनी वाकई क्रिकेट जगत को अलविदा कहने जा रहे हैं। आज शाम 7 बजे धोनी क्रिकेट को हमेशा के लिए गुड बाय कह देंगे। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सोशल मीडिया कह रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है कि धोनी आज शाम संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि एमएस धोनी अपने संन्यास के ऐलान को लेकर शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर धोनी के संन्यास की खबरें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के एक ट्वीट के बाद फैली है। दरअसल विराट कोहली ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो धोनी के सजदे में झुके हुए हैं। इस तस्वीर को उन्होंने एक कैप्शन भी दिया कि ये मैच मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, खास रात इस शख्स ने मुझे फिटनेस टेस्ट की तरह भगाया। विराट कोहली के इस ट्वीट के बाद फैंस को लग रहा है कि एमएस धोनी आज संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय कप्तान ने जिस मैच की ये तस्वीर डाली है ये आज के दिन का नहीं है और साथ ही धोनी ने आज के दिन कोई ऐसा कारनामा भी नहीं किया था जिसकी वजह से विराट कोहली ने उन्हें याद किया। वैसे इतिहास गवाह है कि धोनी अपने बड़े बड़े फैसले अचानक लेते हैं जिससे दुनिया हैरान हो जाती है। साल 2014-15 में धोनी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद साल 2017 में एमएस धोनी ने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी भी अचानक छोड़ दी थी। इंग्लैंड दौरे में पहले धोनी ने कप्तानी से इस्तीफा दिया और उसके बाद विराट कोहली ने टीम की बागडोर संभाली। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।